कि तीसरे नंबर के पायदान के लिए इस टीम को एक बेहतर खिलाड़ी चाहिए। ऑप्शन में भी ना आपको इंडियन क्वालिटी का स्पिन गेंदबाज नहीं मिलेगा, जेन्युइनली बहुत पैसा फेंकेगा और इतना पैसा फेंकेगा कि खरीद ही लेगा। लेकिन कितना पैसे से वो खरीदा जा सकता है? आई थिंक भाई 15 करोड़ से अबव जाएगा उनका प्राइस। IPL 2023 का मिनी ऑक्शन ना बहुत ही पास आ गया है और इसी के लिए ना मैं डेली बेसिस पर बेहतरीन बेहतरीन IPL रिलेटेड टॉपिक के ऊपर ना डिस्कशन करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में ना एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात होने वाला है कि पांच ऐसा टीमों के बारे में। देखो दो सीरीज निकलने वाला है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि पार्ट वन में पांच टीम के बारे में होगा, पार्ट टू में और जो पांच टीम बच जाएगा उसके बारे में होगा। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग टोटल पांच टीमों के बारे में बात करने वाले होंगे कि पांच टीम टोटल कौन कौन सा मेन मेन खिलाड़ी को टारगेट कर सकता है अपने अपने टीम के लिए, अपने अपने प्लेइंग 11 के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। एक ऐसा खिलाड़ी का नाम बताऊंगा ना आपके पसंदीदा टीमों की ओर से, जो कि आप लोग बताओ कि हाँ भाई सही है भाई, ये खिलाड़ी को चाहिए। ठीक है, तो उस जगह पर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। और एक बात की, और उसके साथ ना ये सब खिलाड़ी उस टीमों में कितना प्राइस से जा सकता है, कितना मैक्सिमम प्राइस हो सकता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, अंत तक देखो वीडियो को। और IPL तक टारगेट है भाई 50K, तो इसी की वजह से भाई सब्सक्राइब कर लो। जो भी वीडियो को देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। तो चलिए बिना किसी देरी के ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ के बारे में ना डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि मैं आज के इस वीडियो में SRK यानी सनराइजर हैदराबाद, MI यानी मुंबई इंडियंस, CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स, RR यानी राजस्थान रॉयल्स और GT यानी गुजरात टाइटंस के ऊपर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले जिस टीम के बारे में बात करूंगा ना वो होगा IPL 2022 का चैंपियन, जो कि रहा हुआ है GT यानी गुजरात टाइटंस के बारे में। तो 2023 के मिनी ऑक्शन में उनका फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेटेड लिस्ट में कौन सा खिलाड़ी ना आ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि तीसरे नंबर के पायदान के लिए इस टीम को एक बेहतर खिलाड़ी चाहिए। तो उस जगह पर तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए मैं अगर बात करूं ना, तो वहां पर ना ज्यादा बेहतरीन भारतीय खिलाड़ी नहीं है, लेकिन एक विदेशी खिलाड़ी ऐसा है ना जो कि तीसरे नंबर पे बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर सकता है, उसके साथ ना बहुत ज्यादा तजुर्बा भी है। तो वो खिलाड़ी कौन है? तो वो खिलाड़ी है केन विलियमसन। केन विलियमसन को ये GT यानी गुजरात टाइटंस का टीम टारगेट कर सकता है, जो कि मिनी ऑक्शन में केन विलियमसन आने वाला है। बेस्ट प्राइस रखा है 2 करोड़, आई थिंक टारगेट करेगा और खरीद भी ले सकता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन बनेगा GT यानी गुजरात टाइटंस के लिए, जो कि मिडिल में स्टेबिलिटी भी देगा। ठीक है, देखो हार्दिक पांड्या आएगा, लप्पेबाजी करेगा, उसके साथ जो भी आएगा ना इस टीम को भाई लप्पे ही लगाता है। तो उस जगह पर एक अगर स्टेबिलिटी देने वाला खिलाड़ी मिडिल में आ जाता है ना, तो ज्यादा क्वालिटी प्रदान हो जाएगा। तो उस जगह पर ये एक बेहतर ऑप्शन बनेगा। आप सभी लोग इसके ऊपर क्या राय देना ना कमेंट में बताओ। उसके बाद जिस टीम के ऊपर बात करने वाला हूं ना, वो टीम क्या है? वो टीम है RR यानी राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स कौन सा खिलाड़ी को टारगेट कर सकते हैं? देखो राजस्थान रॉयल्स का मैं अगर प्लेइंग 11 को देखूं ना, तो उस टीम में रिसेंट टाइम में कोई भी खड़ा भी नहीं है और वो ज्यादातर खिलाड़ी को छोड़ा भी नहीं है। उस जगह पर अगर मैं बात करूं तो प्लेइंग 11 सेट है, लेकिन एक जगह पर मैं अगर चाहूं ना तो खिलाड़ी को डालना चाहूंगा, तो वो जगह क्या है? वो जगह है रियान प्राग की जगह, क्योंकि रियान प्राग ना ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी नहीं दे पा रहा था IPL में। देखो वो बेसिकली हर साल IPL में रहता है राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन ज्यादा ना क्वालिटी प्रदान नहीं कर पाता है। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि अगर ये टीम कम रेट में शशांक सिंह के ऊपर जाता है तो कैसा रहेगा? शशांक सिंह के ऊपर ये टीम अगर जाता है ना, तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि शशांक सिंह ना ऐसा रेंज के लिए पिछला साल बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, उसके बावजूद शशांक सिंह को छोड़ दिया गया है ऐसा रेंज के द्वारा। आप अगर शशांक सिंह को लेते हो ना, तो आपके लिए वो स्पिन गेंदबाजी भी कर सकता है, उसके साथ बल्लेबाजी भी कर सकता है, बेहतरीन तरीके से तरी लगाता है। तो इस खिलाड़ी को ये टीम ले सकता है। और कितना हाईएस्ट प्राइस में ये खिलाड़ी को खरीदा जा सकता है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा? तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 3 करोड़ रुपए देकर इस खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स अपने टीम में शामिल कर सकता है। इससे पहले वाला लिस्ट में केन लंदन का मैं नाम बताया, लेकिन उनका प्राइस नहीं बताया। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 4 करोड़ रुपए से केन विलियमसन जा सकता है, ऑक्शन में बिकने वाला है। ठीक है, गुजरात टाइटंस उनको लेने वाला है। तो दो खिलाड़ी का नाम हो गया। उसके बाद जिस टीम का नाम आता है ना, वो टीम है CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स कौन सा खिलाड़ी को टारगेट कर सकता है मिनी ऑक्शन में? तो ये एक ना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन चेन्नई के पास जितना बैलेंस पर से ना, वो एक बेहतर खिलाड़ी के ऊपर जा सकता है। तो उस बेहतर खिलाड़ी का नाम क्या बन सकता है? तो वो हो सकता है सैम करन। सैम करन एक ऐसा खिलाड़ी है ना, जो कि गेंदबाजी
से भी कमाल करेगा, बल्लेबाजी से भी कमाल करेगा, तो ऐसा खिलाड़ी को तो भाई हर एक टीम लेना चाहेगा। तो उस जगह पर सीएसके बिना फर्स्ट प्रायोरिटी के तहत सैम करन के ऊपर जाएगा और आई थिंक उनको खरीद भी लेगा। और मैं अगर बताऊं ना कि कितना ज्यादातर रेट मिल सकता है सैम करन को, तो मैं बताऊंगा कि सीएसके ही ना उनको आई थिंक 10 करोड़ से ऊपर वाला प्राइस में खरीद सकता है। 10 करोड़ से ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 10 करोड़ से कम सैम करन नहीं जाएगा, ये आप लिख कर ले लो, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर अगर जाता भी है तो सीएसके उनको बेहतरीन तरीके से, भरपूर तरीके से लेने का कोशिश करेगा। ये एक बेहतर ऑप्शन बनेगा सीएसके के लिए भी, ठीक है। उसके बाद जिस टीम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ना, वो टीम है MI यानी मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस कौन से खिलाड़ी को टारगेट कर सकता है? मुंबई की टीम में देखो, मैं रिसेंट टाइम की अगर मैं बताऊँ ना, उनका गेंदबाजी में कमी था, बल्लेबाजी बेहतर करने के बावजूद गेंदबाजी के कमी के दौरान ना उनका टीम 2022 में ट्रेवल किया था। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि अगर उनको गेंदबाजी सुधारना है ना, देखो जॉफ्रे आर्चर भी कमबैक करेगा, बुमराह भी कमबैक करेगा, लेकिन स्पिनिंग में ज्यादा क्वालिटीदार खिलाड़ी ना नहीं है। ऑक्शन में भी ना आपको इंडियन क्वालिटीदार स्पिन गेंदबाज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मुर्गन अश्विन को लिए थे, मार्कांडे को लिए थे, वो भी ज्यादा क्वालिटी नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर आप एक विदेशी खिलाड़ी के ऊपर जाते हो ना, तो आपके लिए बेहतर बनेगा। तो वो खिलाड़ी कौन बन सकता है? दो खिलाड़ी का ऑप्शन मेरे सामने था, एडम जाम्पा, आदिल रशीद, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा आदिल रशीद को, क्योंकि आदिल रशीद ना एक ऐसा खिलाड़ी है, उनका गेम सेंस ज्यादा बेहतर है एडम जाम्पा से भी। ऑल्सो वो एक विकेट टेकिंग गेंदबाज भी है और लेग स्पिन ऐसे तरीके से करता है ना, वो डरता नहीं है भाई, वो आपके लिए विकेट टेकिंग गेंदबाजी ऑप्शन जरूर से जरूर बन सकता है। तो उस जगह पर देखो, मैं लिटरली चाहूंगा कि आदिल रशीद को आप लो, तो मुंबई के लिए आदिल रशीद मैं प्रेफर करूंगा। और मुंबई इंडियंस फैंस अगर आप हो ना, तो आप क्या प्रेफर करोगे, आदिल रशीद या फिर एडम जाम्पा को? वो जरूर से कमेंट बताना। लेकिन ये दो ही खिलाड़ी अगर ऑक्शन में आता है ना, तो दोनों को ही अगर टारगेट किया जाता है और अगर किसी एक को लिया जाता है ना, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 4 करोड़ के आसपास ही ना इनका प्राइस रहेगा, उससे ज्यादा अगर हो तो मैक्सिमम 5 करोड़, इससे ऊपर नहीं जाएगा इनका प्राइस, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन बनेगा, दोनों का ही मैं ऑप्शन रख रहा हूं मुंबई के लिए। उसके बाद लास्टली जिस टीम के बारे में बात करने वाला हूं ना, वो टीम है SRE यानी सनराइजर हैदराबाद। तो सनराइजर हैदराबाद की ओर से ना बहुत सारा टीम को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा बैलेंस पर थे। लेकिन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिनको सनराइजर हैदराबाद सबसे पहले सबसे ज्यादा रकम देकर खरीदना चाहेगा? तो वो हो सकता है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को सनराइजर हैदराबाद ना भाई साहब मतलब जेन्युइनली बहुत पैसा फेंकेगा, और इतना पैसा फेंकेगा कि खरीद ही लेगा। लेकिन कितना पैसे से वो खरीदा जा सकता है? आई थिंक भाई 15 करोड़ से अबव जाएगा उनका प्राइस, क्योंकि पंजाब के पास भी ज्यादा पैसा है। लेकिन डेस्परेटली जो बिट करेगा वो है SRH, तो SRH उनको खरीद लेगा। और बेन स्टोक्स जैसा खिलाड़ी को ना आप लोग चाहते हो, क्योंकि ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, क्वालिटी बंदे के पास बल्लेबाजी का भी क्वालिटी बेहतर है, उसके साथ गेंदबाजी का भी क्वालिटी बेहतर है। उसके साथ मैं अगर बात करने को जाऊँ ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि कप्तानी मटेरियल भी है ये खिलाड़ी। तो उस जगह पर नो डाउट आंखें बंद करके बेन स्टोक्स के ऊपर जाओ, बेन स्टोक्स को खरीदो, और उसके बाद ही ना SRH की टीम में एक बेहतर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो ये एक बेहतर ऑप्शन बनेगा। और इन टोटल 5 टीमों में मैं जिन जिन खिलाड़ी को देखना चाहूंगा, या फिर जो जो खिलाड़ी को टारगेट किया जाएगा ऑप्शन से, तो ये 5 खिलाड़ी का नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हो। SRH के लिए बेन स्टोक्स जो कि 15 करोड़ से खरीदा जा सकता है, मुंबई के लिए आदिल रशीद जो कि 5 करोड़ से खरीदा जा सकता है, उसके बाद सैम करन जो कि CSK खरीद सकता है उनको, जो कि 10 करोड़ से ऊपर वाला बिड ले सकता है, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए शशांक सिंह है जो कि 3 करोड़ के रकम से जा सकता है, उसके साथ लास्टली GT यानी गुजरात टाइटन्स का केन विलियमसन जो कि 4 करोड़ प्राइस में जा सकता है गुजरात टाइटन्स के टीम में। तो ये था टोटल टारगेटेड लिस्ट जो कि हर एक टीम का नीड रहेगा। और इसके बाद वाला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसके बाद वाला पार्ट और जो 5 टीम बच गया है ना, उन 5 टीमों के ऊपर बात होगा। तो चलिए वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं, बाय, टेक केयर, ऐसे वीडियो और भी आता रहेगा। और आपको देखना होगा कि हर एक टीम का बेस्ट पेस बॉलिंग ऑप्शन या फिर बेस्ट पेस बॉलिंग अटैकर में सबसे वाला लीड रोल वाला खिलाड़ी कौन बन सकता है, तो उसके लिए ये वाला वीडियो जाओ जाकर देखो, बेहतर है, जाओ जाकर देखो, ठीक है, बाय, टेक केयर।